हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि सब लोग अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है आपका प्यारा सा चैनल केमिस्ट्री पंपोनियम। साथियों, आज हम लोग प्रसंस्करण पढ़ेंगे। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, जो कार्बनिक यौगिक होता है, उसका प्रसंस्करण कैसे निकालते हैं, आइए हम आपको बताते हैं। और पहले हम आपको लिख दिए हैं क्योंकि समय कम लगे, ज्यादा आपको समय आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि आपका समय बहुत ही कीमती है ना। चलिए देखिए, प्रसंस्करण का फॉर्मूला होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। और याद रखिएगा, लोन पेयर को हिंदी में बोलते हैं निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन। निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन माइनस बंधित इलेक्ट्रॉन बटे दो। कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन माइनस बंधित इलेक्ट्रॉन बटे दो। अब देखो भैया, जैसे एनएच थ्री में एन का निकालना था, एलपी, एलपी माने लोन पेयर। इन्हें देखो, इन्हें लोन पेयर बराबर कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के होइ छे पांच, पांच माइनस खर्चा माने बंधत, कितना बंधित इलेक्ट्रॉन है, कितना खर्चा हुआ, खर्चा हुआ तीन, क्योंकि तीन हाइड्रोजन है तो पांच माइनस तीन यानी हो गया पांच में से तीन गया दो बटे दो कट गया एक, यानी नाइट्रोजन के पास हमने एक लोन पेयर दे दिया, समझे। अब देखिए यही नहीं रुका, अब यहाँ पर हम लिख दिए है नोट, कार्बन के पास लोन पेयर नहीं होता है। कोई पूछेगा क्यों नहीं होता है, कहेगा इसलिए क्योंकि इसमें श्रृंखलन गुण जो है सर्वाधिक पाया जाता है। श्रृंखला बनाने वाला जो गुण है वो सर्वाधिक होता है किसमें, कार्बन में। और एक बात, अगर कार्बन कार्बन सिंगल बोन है तो समझ जाना सिग्मा बोन होगा, कार्बन कार्बन कहीं अगर डबल बोन्ड है तो एक सिग्मा होगा, एक पाई बोन्ड होगा, और कहीं कार्बन कार्बन ट्रिपल बोन्ड है तो एक सिग्मा है दो पाई होगा। याद रखिएगा, सिंगल बोन्ड सिग्मा बोन्ड, डबल बोन्ड में एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बोन्ड में एक सिग्मा दो पाई, समझ गए। सिंगल बोन्ड सिग्मा बोन्ड, सिग्मा बोन्ड सिग्मा बोन्ड। अब आइए अगला बात, प्रसंस्करण अभी हम जस्ट आपको बताए सिग्मा बोन्ड प्लस लोन पेयर। लोन पेयर तो नहीं होता, इसको काट भी सकते हैं। अब देखिए भैया, एच के लिए एक ऑर्बिटल होता है, अब पी के लिए हमारा तीन ऑर्बिटल होता है, एक दो तीन। इसी तरह डी के लिए हमारा पांच ऑर्बिटल होता है, एक दो तीन चार पांच। अगर भैया मान लो मैं जो है दो ऑर्बिटल को मिलाना चाहता हूं, एक और एक, तो एस का एक मिलेगा, पी का एक मिलेगा, नाम होगा एस पी। अगर मेरे को तीन ऑर्बिटल, एक दो तीन ऑर्बिटल को मिलाना है, एस का एक मिलेगा, पी का दो मिलेगा, तो नाम होगा एस पी टू। और यहां से लेके यहां तक को मिलाना है चार को, तो एस का एक मिलेगा, पी का तीन मिलेगा, नाम होगा एस पी थ्री। यानी प्रसंस्करण आपके जो होते हैं तीन प्रकार के, एस पी, एस पी टू, एस पी थ्री। कार्बनिक की बात कर रहा हूं, एस पी, एस पी टू, एस पी थ्री। जैसे आपको इस तरह का स्ट्रक्चर भी दिया जाएगा, इस तरह का आपको स्ट्रक्चर भी दिया जाएगा, इस तरह का। जैसे हम यहां पर बोले CH4 है, तो कार्बन का आपको यहां पर क्या करना होगा, कार्बन का संरचना बना लेना है। एक कार्बन है, चार हाइड्रोजन है, सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। तो इस कार्बन को टोटली कितना सिग्मा बॉन्ड हुआ, चार। तो सिग्मा बॉन्ड चार हुआ, चार सिग्मा बॉन्ड है, तो चार को घर मिले, एक दो तीन चार, समझे, एक्स्ट्रा घर ना मिलेगा रे। तो एस का एक मिलेगा, पी का तीन, नाम हो जाएगा एस पी थ्री। एक और एग्जांपल यहां हमने मिटाया था, सी एच टू है, डबल बॉन्ड सी एच टू है। एक बात बताओ, एगो बात बताओ रे भैया, जहां डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा, डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा एक पाई। अब इस कार्बन को टोटली सिग्मा बॉन्ड कितना होना चाहिए, तो दो हाइड्रोजन है तो दो सिग्मा बोंड, एक यहां है तीन। इस कार्बन को भी दो हाइड्रोजन है, दो सिग्मा बोंड, एक यहां तीन, टोटल तीन। तो तीन को घर मिले, एक दो तीन, तो नाम होगा एस पी टू, इसका भी होगा एस पी टू, समझे। प्रसंस्करण तीन प्रकार के, एस पी, एस पी टू, एस पी थ्री, एस पी, एस पी टू, एस पी थ्री। अब ये प्रसंस्करण देगा तो आप आराम से निकाल लोगे, निकाल लोगे ना, ठीक है। फिर मिलते हैं, पर आज के टॉपिक में हम लोग प्रसंस्करण देखे, फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।